वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मीन्स हम उसके दो टाइप्स है, जो मेन दो टाइप्स है उसका नाम क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। अब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया, उसका नाम ये है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कंपनी शेयर्स से लिमिटेड रहती है कि हाँ यहाँ ज़्यादा शेयर्स रहते हैं किस तरीके, तो उनके बेसिस पे ये दोनों टाइप क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो अब यहाँ क्या होता है कि अब पूछेंगे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस रहता है। जैसा कि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली हमारे पास डिस्टिंग्विश में आता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दोनों का डिस्टिंग्विश। समटाइम ये शॉर्ट नोट्स पे आ जाता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शॉर्ट नोट्स लिखो या फिर प्राइवेट लिमिटेड का, और समटाइम ब्रीफ, पर ये आता ज़रूर है। मतलब जो भी टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ या जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ वो सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर चेक करके कौन कौन से पॉइंट्स बार बार रिपीट हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार आए हैं एग्ज़ाम में, मैं वही क्वेश्चन के टॉपिक क्या करती हूँ आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो ये टॉपिक जो मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको बस 7-8 मिनट आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, ओके। तो अब हम देखेंगे कि ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो क्या होती है, मतलब उसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है या फिर उसकी क्या एडवांटेज है वो अपने को पता चल जाएगी, उसके फीचर्स पॉइंट्स, ओके। तो ओके, तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी का हमारा जो डेफिनेशन दिया गया है वो डेफिनेशन दिया गया है कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 में ये डेफिनेशन दिया गया है कि जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती वो कंपनी क्या होती है, वो कंपनी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इतना समझा, ओके। तो अब वहाँ क्या बोलता है कि अब इसके पास क्या क्या फीचर है, इनके पास ये फीचर्स है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं वो लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब शेयर्स क्या होते हैं अगर आपको जानना है तो आप मेरे पीछे वाली वीडियोस चेक कर सकते हो जो आपको मिल जाएगी। तो अब क्या होता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या कर सकते हैं हम, शेयर्स, मेरा शेयर्स है मैं आपको ये नाम पे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, आपको गिफ्ट दे सकती हूँ, फैमिली को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस तरीके से हम उस शेयर्स को क्या कर सकते हैं, ले सकते, दे सकते, ऐसा एक तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते, ओके। फिर उसके बाद एक पॉइंट क्या रहता है कि यहाँ डिबेंचर्स भी क्या होते हैं, इशू होते हैं, और ये पब्लिक को इशू कर सकते हैं, मतलब कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो कोई भी पब्लिक आकर क्या कर सकता है, शेयर परचेस कर सकता है, डिबेंचर परचेस कर सकते हैं। ये भी इनका एक क्या है, फीचर है कि पब्लिक क्या कर सकती है, शेयर्स और डिबेंचर क्या कर सकती है, ले सकती है। इसका जस्ट अपोजिट रहता है प्राइवेट लिमिटेड में कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं, डिबेंचर रहते हैं, वो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये कभी पब्लिक में इशू ही नहीं करती है। ये कहाँ इशू करती है, इनके जो कंपनी में मेंबर्स रहते हैं ना वही लोग उसके शेयर्स परचेस करते हैं, पर ये पब्लिक में इशू नहीं होता, इसलिए ये प्राइवेट लिमिटेड रहती है। यहाँ क्या होता है कि शेयर्स हमारा क्या हुआ था, ट्रांसफ़र कर सकते, राइट, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, ना किसी को दे सकते, तो ये रहता है प्राइवेट लिमिटेड में। यहाँ पब्लिक लिमिटेड में क्या कर सकते हैं, यहाँ मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना रहता है पब्लिक लिमिटेड में, 5 लाख, पर प्राइवेट लिमिटेड में जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रहता है वो रहता है 1 लाख। अब आप बोलो कि पेड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल मतलब जो शेयर रहती है, शेयर की वैल्यू, अगर समझ लो शेयर की वैल्यू 10,000 शेयर्स की वैल्यू 1 लाख है या 10 लाख है, अज्यूम, तो अगर 10 लाख वैल्यू है उसमें से आपने 8 लाख पे किया है, 2 लाख रिमेनिंग है, पेंडिंग है, वो होता है, मतलब पेंडिंग रख सकते, तो जो 8 लाख मिल चुका है कंपनी को तो वो कंपनी का क्या है, पेड अप कैपिटल है, कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने वो पे कर चुका है तो उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वहाँ उनका जो पेड अप कैपिटल रहना चाहिए वो मिनिमम 5 लाख का रहना चाहिए और प्राइवेट कंपनी का 1 लाख का, ओके, इतना समझा। अब क्या आता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स कितने रहते हैं, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स रहते हैं यहाँ मिनिमम 7 रहती है,
कि कम से कम 7 लोग मिलके क्या करते, कंपनी फॉर्म करते चलाते, या 7 मेंबर्स तो रहने ही चाहिए। और जो मैक्सिमम नंबर है उसकी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर रह सकते हो। ओके, और प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मिनिमम 2 रहते हैं मेंबर्स, कि 2 मेंबर्स से स्टार्ट होता है। और जो मैक्सिमम रहते हैं वो मैक्सिमम कितने रहते हैं, मैक्सिमम 50 रहती है। तो इनकी लिमिटेशन ऐसी है। समटाइम इसका ट्रू फॉल्स में, एग्री डिसएग्री में क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इन पब्लिक लिमिटेड देर इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर 50। तो ये क्वेश्चन सही है कि पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम नंबर कितने रहते हैं, 50 रहते हैं। पर ऐसा तो नहीं है, ये तो प्राइवेट लिमिटेड का है। तो वहाँ हमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना पड़ता है, वहाँ हमें बोलना पड़ता है फॉल्स, और उसका रीज़न बताना पड़ता है कि नहीं बाबा, पब्लिक में लिमिटेड नहीं है, पब्लिक में मैक्सिमम अनलिमिटेड है, जो लिमिट किया गया है वो प्राइवेट में लिमिट किया गया। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जाता है। अगर आपको पॉइंट समझ में आ जा रहा है, ये सारे पॉइंट समझ में आ जा रहे हैं जो मैं आपको बता रही, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में वो बातें रह जाएगी, और जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तुरंत आपके दिमाग में वो आ जाएगा पॉइंट कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था, यहाँ ऐसा नहीं है। तो आप इजी वे में कर सकते हो और उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ओके, तो यहाँ क्या हो गया कि यहाँ मैक्सिमम कितना था अनलिमिटेड, यहाँ मैक्सिमम था 50। ओके, अब यहाँ एक और बात बोला है कि यहाँ पब्लिक लिमिटेड है ना, तो कंपनी के नाम के बाद जो है लिमिटेड लगाना पड़ेगा कि ये पब्लिक लिमिटेड है, जैसे मनीषा पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बताना पड़ेगा कि ये पब्लिक लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड है तो वहाँ भी लिमिटेड लगाना पड़ता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कोई भी पेंट की कंपनी, एशियन पेंट, तो वहाँ लिखा रहेगा एशियन पेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से। ओके, तो वहाँ लिमिटेड क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। अब यहाँ क्या होता है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उनके आर्टिकल्स में ये क्या लिखा हुआ रहता है, आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी की बुक्स रहती है उस बुक में लिखा रहता है कि हाँ, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, ये अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है, पब्लिक से मतलब डिबेंचर्स नहीं हो सकता है, मतलब इस तरीके से इशू नहीं होगा। ये सारा जो भी है ये कहाँ लिखा रहता है, ये लिखा रहेगा कंपनी के सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 में। ओके, तो ये हो गया प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन, और ये रहा पब्लिक लिमिटेड का। साथ में ही हमारे पास क्या रहता है कि ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहती है उनके पास जो डायरेक्टर्स रहते हैं, तो यहाँ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स रहने चाहिए। डायरेक्टर्स मतलब कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करता है या लिख कर आते हैं, चूज़ कौन करता है, वो कौन करते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स, कौन से, इक्विटी शेयर होल्डर्स मीटिंग में करते, जो मैंने पॉइंट बताया। तो इस तरीके से पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड को डिवाइड किया गया। इनके पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप। अगर आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हैं और आपको मेरा टॉपिक अच्छे से समझा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती क्या है, समझा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।